गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 10 के साइंस, जिसमें अपन लेसन चल रहा था 11वां लेसन, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये तीसरा पार्ट है हमारे इस लेसन का, ठीक है। इस लेसन का ये हमारे तीसरा पार्ट है। और आज अपन, अब तक अपन ने देखिए मानव के नेत्र के बारे में, और कल अपन ने समंजन सप्ताह के बारे में चर्चा की थी अच्छे से। अब अपन शुरू करेंगे आज अपना दृष्टि दोष और उनका संशोधन, ठीक है, उनका उपचार अपन कह सकते हैं। अब आंखों में जो दोष कौन कौन से पाए जाते हैं, उनका उपचार क्या है, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, दृष्टि दोष एवं उनका उपचार। दृष्टि दोष एवं उनका उपचार। दृष्टि दोष एवं उनका उपचार के बारे में अपन चर्चा करेंगे, या उनका संशोधन अपन यहां पे देता आपके किताब में, बुक में है उनका संशोधन, ठीक है, उपचार या संशोधन। तो देखिए, अब मुख्य रूप से तीन प्रकार के जो सामान्य दृष्टि दोष पाए जाते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष, ठीक है, और एक होता है जरा दूर दृष्टिता, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से है, उसके अलावा भी कुछ और होते हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन शुरू करते हैं हमारा पहला जो है, जिसका नाम है निकट दृष्टि दोष। पहला है हमारा निकट दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में क्या होता है, इस दृष्टि दोष में यह होता है कि इसमें हमें जो होती है निकट की जो वस्तुएं होती है ना, वो तो साफ दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती है वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। जिसमें निकट दृष्टि दोष होता है, उसके पास की दृष्टि तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, साफ दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो देखिए, इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुओं को तो साफ देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को तो साफ देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। लेकिन जो दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, स्पष्ट नहीं देख सकता, दूर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, ठीक है। इस दोष में क्या होता है, इस दोष में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल या रेटिना से पहले बन जाता है, दृष्टि पटल या रेटिना से, यानी आंख के अंदर जो रेटिना होता है, दृष्टि पटल होता है, जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उस रेटिना से पहले ही क्या हो जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पर, दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल से पहले बन जाता है, ठीक है। इस रोग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना, या जिसे अपन कहते हैं दृष्टि पटल, से पहले बन जाता, दृष्टि पटल से पहले बन जाता है, ठीक है, रेटिना पर नहीं बनता, रेटिना से पहले बन जाता है, यानी जो पर्दा होता है हमारे दृष्टि पटल रेटिना, उस पर्दे पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब ना बनके उससे पहले बन जाता है इस रोग में। तो देखिए कैसे होता है, देखिए इसमें होता कैसे, इस प्रकार से, हाँ, ये है हमारा नेत्र,
नेत्र का जो लेंस है, नेत्र क्या, ठीक है, ये बाहर कॉर्निया, ये इस प्रकार से आंख, ये है हमारा दृष्टि पटल, ठीक है। अब देखिए ये दृष्टि पटल है तो क्या होता है, इससे जो सूर्य के प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट प्रतिबिंब तो कहां बनना चाहिए था, यहां बनना चाहिए था, ये है दृष्टि पटल, ठीक है, तो यहां बनना चाहिए था, लेकिन यहां ना बन के इस दृष्टि पटल से थोड़ा पहले बन जाता है, थोड़ा सा पहले बन जाता है, ठीक है, पहले बन जाता है। थोड़ा सा पहले बन जाता है, ठीक, तो आगे देखें। अब इसके कारण क्या क्या है, कारण इसके कारण क्या क्या है, किन कारणों से ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो पहला कारण है, पहला कारण है लेंस की वक्रता अधिक होने से, लेंस की वक्रता अधिक होना ये निकट दृष्टि दोष का कारण है, ठीक है। अगर लेंस की वक्रता अधिक हो जाएगी या लेंस की गोलीय ये जो लेंस है ऐसा ना होकर कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इसकी वक्रता ऐसी ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे देखिए, और नेत्र की गोलिका का लंबा हो जाना, नेत्र की गोलिका का लंबा हो जाना पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण है नेत्र की गोलिका का लंबा होना, लंबा हो जाना, इसका जो गोलाई होती है वो लंबी हो जाती है, ठीक है, बीच की जो गोलाई होती है वो लंबी हो जाती है, इसके कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ठीक किया है। अब इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, चलो दोष तो पढ़ लिया आपने, उपचार कैसे करेंगे इसका, तो उपचार देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो भी दोष अपन पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं, आने वाली हर क्लास के लिए, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी उपयोगी है, जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, ठीक है। इससे सवाल ये बन सकता है कि कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, उसका उपचार अपन संशोधन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा यानी अवतल लेंस लगाकर अपन इसका क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, ठीक है। इस दोष को किसी उपयुक्त, इस दोष को किसी उपयुक्त यानी जितनी जरूरत है, अब लेंस की क्षमता अपनी अपनी अपन को कितनी मात्रा में निकट दृष्टि दोष है, कैसा है, भारी है, हल्का है, ठीक है, तो उसके आधार पर इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता का काम अवतल लेंस, कौन सा लेंस, अवतल लेंस से संशोधन किया जा सकता है, यानी इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है, संशोधन यानी अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा अपन निकट दृष्टि दोष को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब अवतल लेंस लगाने से होगा क्या, क्या हो गया भैया अवतल लेंस लगाने से, यहां पर आंखों में वो लेंस, अवतल लेंस डाल दिया, क्या हो गया उसे, तो क्या होगा वो बताता, ठीक है। तो अवतल लेंस क्या करते है? करेगा, प्रतिबिंब वापस दृष्टि पटल पर ले जाता है, अवतल लेंस क्या करता है, प्रतिबिंब को वापस थोड़ा सा आगे सरका के वापस दृष्टि पटल पर बनवाने लगता है, ठीक है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल पर बनवाता है, देखिए अवतल लेंस प्रतिबिंब को प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल या जिसे अपन रेटिना कहते हैं,
रेटिना पर, दृष्टि पटल या रेटिना पर ले जाता है। दृष्टि पटल या रेटिना पर ले जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, ये आंख है, ठीक है, इस बार आंख थोड़ी पता नहीं बंदर के मुंह जैसी बन गई है, सही बनाते हैं वरना आप करोगे सर ये तो इंसान की आंख है ही नहीं, अभी भी सही नहीं बनी है ना, तो सही कर लेते हैं भाई, आता है हमें तो बनाना। देखिए अब जो ये लेंस है, इस लेंस से पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक उपयुक्त क्षमता का अपन कौन सा उत्तल लेंस लगा देते हैं, उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जैसे प्रकाश इसके अंदर जाएगा, ये अंदर गया तो ये थोड़ा सा फैल जाता है, फैलकर इसका केंद्र बिंदु वापस दृष्टि पटल पर आ जाता है, कहां है वापस इसका प्रतिबिंब कहां बन जाता है, वापस दृष्टि पटल पर बनने लगता है, यानी अवतल दर्पण अवतल लेंस के प्रयोग से क्या होता है, वापस वस्तु का निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु भी हमें साफ दिखाई देने लग जाती है, ठीक है, दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई देने लग जाती है। तो ये है हमारा पहला निकट दृष्टि दोष, जिसका आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट। आगे अपन दूसरा है अब दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, ये है इसका उल्टा ही है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु साफ दिख रही थी लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिख रही थी, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखेगी लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, तो क्या करेंगे भाई इसका, तो कौन सा लेंस काम में लेंगे इसमें अपने, दूसरा लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, ठीक है, तो देखिए दूर दृष्टि दोष, जो दूर दृष्टि दोष होता है क्या होता है इसमें, देखिए इस दोष में क्या होता है, इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, पास की वस्तुओं को स्पष्ट बिल्कुल नहीं देख पाता है, ठीक है, पास की वस्तुओं को स्पष्ट बिल्कुल नहीं देख पाता। अब दो निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा था, जो रेटिना पर्दा था आंख का दृष्टि पटल उससे पहले प्रतिबिंब बन रहा था, इसका उल्टा होगा, दृष्टि पटल से पहले या रेटिना से पहले ना बनके उसके पीछे बनने लगेगा, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इस दोष में इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के क्या करता है, पीछे बनता है, ठीक,
अब इसमें क्या होता है, जैसे वही चीज, ये लेंस, ये आंख, ये इंसान की आंख, इस बार बंदर की नहीं बनी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है ये किरण, ठीक है, इसमें किरण आती है और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहीं और बनता है, कहीं और कहा, इस रेटिना के पीछे बनता है। ये तो है अपना रेटिना, आपको पता है, पता है दृष्टि पटल या रेटिना, उसके पीछे बनने लगता है। अब क्या कहते हैं, पीछे बनने लगता है तो निकट की वस्तु तो हमें क्या करती है, दूर की वस्तु तो हमें साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु को साफ दिखाई नहीं देता। इसका कारण क्या है, कारण पिछले वाले का जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, फोकस दूरी बहुत ज्यादा होती है, इसमें लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, इसका जो नेत्र गोलक होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, नेत्र की जो गोलाई होती है वो छोटी हो जाती है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, ठीक है। इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, इसका उपचार के लिए अपन क्या करेंगे, तो इसके उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए उपयुक्त क्षमता का कौन सा उत्तल लेंस प्रयोग में लेते हैं, इसके उपचार के लिए, इस दोष के उपचार के लिए इस दोष के उपचार के लिए उपयुक्त क्षमता का उत्तल या अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अपन उपयुक्त क्षमता का अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस काम में लेते हैं, यानी यहां पर आंखों के बीच, यानी आंखों के अंदर एक लेंस लगाते हैं, तो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जो होता है हमारा उत्तल लेंस लगाते हैं, उपयुक्त क्षमता का लगाते हैं, जो क्या करता है, प्रकाश की किरण को पुनः रेटिना पर फोकसित कर देता है, फिर से क्या करता है, रेटिना पर केंद्रित कर देता है, ठीक है, जिससे जो प्रतिबिंब होता है वो फिर से किस पर बनने लगता है, रेटिना पर बनने लगता है, यानी दृष्टि पटल पर बनने लगता है, इस प्रकार से ये होता है हमारे दूसरा दोष, जिसका नाम है दूरदृष्टि दोष। एक नोट बना के लिखना आप लोग, अलग से एक लाइन छोड़ के, क्या के जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, उसमें जो दूर का बिंदु है ना, दूरतम बिंदु अनंत पर ना होकर, ठीक है, अनंत पर ना होकर नेत्र के, आंखों के पास आ जाता है, ठीक है, आंखों के पास आ जाता है, दूर का बिंदु अनंत पर ना होकर आंखों के पास आ जाता है,
इसलिए हमें पास वाली वस्तु तो साफ दिखती है निकट दृष्टि दोष में, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती, क्योंकि अब हमारा जो फोकस केंद्र है उसका दूरतम बिंदु अनंत था, अनंत रहा ही, अनंत होता तो हमें अनंत तक दूर की वस्तु साफ दिखाई देती, तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो दूरतम बिंदु है वो कहां आ जाता है, हमारे आंखों के पास आ जाता है। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है दूर दृष्टि दोष में, कि जो अनंत बिंदु है वो अनंत से भी पार चला जाता है, ठीक है, निकट बिंदु होता है वो सामान्य निकट बिंदु से क्या हो जाता है दूर चला जाता है, दूर, ठीक है। तो इसलिए हमें देखिए निकट की वस्तु तो साफ दिखती है लेकिन दूर की, ठीक। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में जो दूरस्थ बिंदु होता है, दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु अनंत पर न होकर, अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है, होकर नेत्र के पास आ जाता है, आंखों के पास आ जाता है, ठीक है। जबकि दूर दृष्टि दोष में, जबकि दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु होता है, जो निकट बिंदु होता है यानी निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर रहता है, निकट बिंदु, निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से सामान्य निकट बिंदु कितना होता है, सामान्य निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर से दूर रह जाता है, ठीक है, दूर रह जाता से दूर हट जाता है, यानी पास की वस्तु, निकट बिंदु दूर रह जाता है तो पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती हमें दूर दृष्टि, पास की वस्तु तो हमें साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु, सॉरी पास की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती निकट बिंदु दूर रहने से, लेकिन दूर की वस्तु तो हमें दिखाई देती, स्क्रीनशॉट है। अगला है जरा दूर दृष्टि का, तीसरा है हमारा जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता में क्या होता है, तो देखिए आयु में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होता है, मानव नेत्र की समझने क्षमता घट जाती है, हमारा नेत्र जो एडजस्ट करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है आयु के साथ साथ, ठीक है, आयु के साथ साथ इसकी समझने क्षमता कम हो जाती है, जिससे अधिकांश व्यक्तियों में, लोगों में क्या होता है, ज्यादातर लोगों में, ठीक है, निकट बिंदु दूर हट जाता है, जिससे निकट बिंदु दूर हट जाता है, ठीक है, निकट का बिंदु यानी पास की वस्तु साफ दिखाई देती नहीं है, ठीक है, जिसके पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई आती है, निकट वस्तु दूर, निकट बिंदु दूर हट जाता है जिससे पास की वस्तु देखने में कठिनाई आती है, लेकिन इसे जरा दूर दृष्टि सा कहते हैं, इसे जरा दूर दृष्टि, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, लोग थोड़ा दूर देखा करते देखता है, ठीक है। तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता में कमी आती है, समंजन क्षमता में क्या होता है, कमी आती है, कमी आती है, आगे देखिए कमी आती है, कमी आने के बाद कमी आती है या घट जाती है, कमी आने से क्या होता है, अधिकांश व्यक्तियों में का निकट बिंदु दूर हट जाता है, इसमें अधिकांश व्यक्तियों में
निकट बिंदु दूर हट जाता है। निकट बिंदु क्या होता है? दूर हट जाता है इससे, ठीक है। निकट बिंदु दूर हट जाने से जिसके जिससे क्या होता है, पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, जिससे पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, इसे जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। इसे अपन जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। जरा सी पास की वस्तु थोड़ी और दूर ले जाएंगे तो अपन टिक जाएगा, ठीक है। और ये पक्षमा भी पेशियों के धीरे धीरे क्या होने से, दुर्बल होने से, क्रिस्टलीय लेंस के जो लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होती है। पक्षमा भी पेशियां धीरे धीरे दुर्बल हो जाती है, जो क्रिस्टलीय लेंस की जो लचीलापन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। यह पक्षमा भी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने से क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने से होता है, यानी लचीलेपन में कमी आने से क्या होता है, ये रोग होता है, ठीक है। दूर जरा दूर दृष्टि का आगे देखिए, कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट और दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति में दोनों ही दोष उपस्थित है, उसे ना तो निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही है ना दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे देखिए, कभी ये यहां पर पूरा हो गया जरा दृष्टि दोष। कभी कभी किसी व्यक्ति को दोनों ही निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष हो सकता है, दोनों ही रोग हो सकते हैं, दोनों दोष हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए क्या करना पड़ता है, और जिनमें दोनों ही दोष है वो व्यक्ति साफ देखने के लिए क्या करेगा, द्विफोकसी लेंसों की आवश्यकता होती है। अब ये तो अपन को पता चल रहा है कि भाई निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। अब व्यक्ति को पास की वस्तु भी नहीं दिख रही है, दूर की वस्तु भी नहीं दिख रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की जरूरत होगी, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस की जरूरत होगी। दो लेंस एक साथ लगाने पड़ेंगे, दो लेंस हमें क्या करने पड़ेंगे, एक साथ लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के को वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए द्विफोकसी यानी दो डबल फोकस बिंदु वाले लेंसों की आवश्यकता होती है, द्विफोकसी लेंसों की आवश्यकता होती है, ठीक है। द्विफोकसी लेंसों में देखिए अवतल व उत्तल लेंस
होते हैं। द्विफोकसी लेंस में क्या होते हैं, अवतल लेंस भी होता है उत्तल लेंस भी होता है, ठीक है। द्विफोकसी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं, दोनों लेंस होते हैं, दोनों लेंस होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसके ऊपरी भाग में क्या होता है, इस द्विफोकसी लेंस में क्या होता है, ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है, ठीक है। ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है वो जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है, ठीक है। द्विफोकसी लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है जो दूर की वस्तु को साफ या स्पष्ट देखने देखने में सहायता करता है, जबकि निचले भाग में उत्तल लेंस होता है जो उत्तल लेंस होता है जो निचले भाग में उत्तल लेंस होता है जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट स्पष्ट देखने में सहायता करता है, ठीक है। जैसे ये चश्मा है, पता नहीं कैसा होता है, ऐसा ही होता है, गांधी जी का चश्मा समझते आप लोग इसको, ठीक है, बनाते थे बचपन में, ये चश्मा है। तो इसमें जो अपन चश्मा यूज लेते हैं द्विफोकसी, जिनको दोनों ही रोग एक साथ होते हैं, उनमें जो ऊपर वाला भाग, अब बूढ़े लोगों को चश्मा देखना, ये ऊपर वाला जो भाग होगा ना, ये ये होता है अवतल लेंस का, ठीक है। और ये दूर की वस्तु देखने के लिए, दूर की वस्तु साफ देखने के लिए जो नीचे वाला भाग होता है वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और ये पास की वस्तु स्पष्ट देखना देखने के काम आता है, ठीक है। पास ही वस्तु इस प्रकार से पहनते हैं, तो ये जैसे दूर की वस्तु देखनी होती है ऐसे देखते हैं, ठीक है। पास में पूरा ऊपर पहन के देखते हैं, तो दूर की वस्तु साथ ही, पास की वस्तु देखनी होती है तो वो ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखते होंगे लोग कहीं पर भी, आपने लोगों को देखा हो तो इस प्रकार स्क्रीन शॉट ले इसका। तो ये थे हमारे दोष, और आज की क्लास में हमने पढ़ने थे दोष विभिन्न प्रकार के नेत्र के, तो जिसमें निकट दृष्टि दो, दूर दृष्टि दो, जरा दृष्टि था, मोतियाबिंद भी है कहीं, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। अब आने वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे किसी प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। एक सूर्य के प्रकाश जो हमें सफेद दिखाई देता है उसमें सात रंग होते हैं, वो सात रंग कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे पूरा। उम्मीद करता हूं आज अपन ने जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you.